तो देखिए श्रमिक चौपाल लग रही है और जगह जगह श्रमिकों को जानकारी दी जा रही है। आज सुखेर के इस हनुमान मंदिर के पास में यहाँ पर मार्बल से जुड़े श्रमिकों को ई श्रम कार्ड के बारे में जानकारी दी जा रही है। बड़े हमें ही जाओ आप भी ठीक है। हाँ रहने दो आप, चलो हाँ चलो। हमें फायदा उठाना है, लाभ उठाना है, तब जाने कुछ काम बनेगा। जैसे ई श्रम कार्ड है, अभी लॉकडाउन में बहुत सारी परेशानी है। सरकार बोल रही है मजदूरों को सहायता कैसे डाले, कि सरकार का कोई रिकॉर्ड नहीं है, ना उनका पहचान पत्र में उनका आधार में खाता लिंक है, ना उनका लेबर कार्ड बना है, ना उनका श्रमिक कार्ड बना है, और ना कोई सरकारी योजना में फायदा उठा रहे। तो उनको लाभ कैसे दे, तो फिर भारत सरकार ने 21,000 श्रम कार्ड बनाने क्या स्थापना करी। ई श्रम कार्ड क्या है, मेरे साथ बोलो क्या है। आप हम प्रजा सामने बोलो क्या है, बस ई श्रम कार्ड। अब ई श्रम कार्ड पकड़ ले जा, इसमें 2,00,000 का बीमा है, आपके लेना आप लोग उधर सामने खड़े हो, इधर 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 आ जाओ। कोई किसी देश हो जाए, कोई शांत हो जाए, उसे परिवार के नॉमिनी को सहायता मिलेगी। दूसरा किसी एक्सीडेंट दुर्घटना होने उसका उसको, मैं तो भगवान से चाहता हूँ ये ना हो, लेकिन फिर भी हमारे काम है बताने के, जानकारी देने का, हम वोट दे रहे हैं। ई श्रम कार्ड एक्सीडेंट दुर्घटना बीमा के लिए है। दूसरा है अटल पेंशन योजना है, भारत सरकार की बहुत NPS नेशनल पेंशन स्कीम चल रही है ना, सुकन्या समृद्धि योजना चल रही है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, मजदूरों की बेटियों के लिए, जो मजदूर का काम कर रहे हैं भविष्य बनाने। सब आगे जाओ आगे जाओ आगे, छोटी मोटी पोस्ट ऑफिस में 0 से लेकर 10 साल की बच्चे खाते, ताकि जो मजदूर भाई बहन है वो अपने बच्चों का भविष्य कर सके और खुशहाल कर सके। ये हमारे लिए उसमें आपको होना चाहिए था। अब एक अटा जो फोटो ले जाओ, अटा फोटो ले रहा